बेलारूस विश्व विनाश का सेंटर बनने जा रहा है। यहाँ पुतिन ने एटमी हथियार तैनात कर दिए हैं। इससे सुपर पावर अमेरिका गुस्से से भर गया है। पुतिन ने एटमी विध्वंस का बटन दबाने का ऐलान किया तो वॉशिंगटन ने मॉस्को को फाइनल वार्निंग दे दी कि अगर क्रेमलिन ने यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला किया तो अमेरिका जंग के मैदान में कूद पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा, रूस और अमेरिका में टकराव हुआ तो कैसी तबाही होगी, इसकी एक्सक्लूसिव वॉर रिपोर्ट आप भी देखिए। ये युद्ध एटमी युद्ध में बदलने जा रहा है। ये जंग अब महाविध्वंसक की वजह बनेगी। वॉर जोन में असली महाविनाश अब शुरू होने जा रहा है। महातबाही की वजह बनेंगे पुतिन और उनके एटमी वेपन। वही एटम बम जिसे पुतिन ने बेलारूस की धरती पर तैनात कर दिया है। पहला टेक्टिकल न्यूक्लियर हथियार बेलारूस पहुंच चुका है। ये सिर्फ पहल है, गर्मियां खत्म होते होते तैनाती का काम पूरा हो जाएगा। पुतिन ने सिर्फ बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों को तैनात करने की ही बात नहीं कही बल्कि किसी भी वक्त इसके इस्तेमाल का भी ऐलान कर दिया है। निश्चित ही सैद्धांतिक तौर पर न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल संभव है। रूस की अखंडता, स्वतंत्रता और संप्रभुता पर अगर खतरा हुआ तो जरूर। पुतिन के इस कदम से बाइडेन इतने भड़क गए हैं कि रूस और अमेरिका में एटमी युद्ध छिड़ सकता है। रूस अब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को बेलारूस में डिप्लॉय कर रहा है। रूस का यह कदम बहुत ही खतरनाक है। इससे दुनिया एटमी महाविनाश के मुहाने पर पहुंच गई है। तो सवाल यही है कि क्या पुतिन की एटमी तैनाती तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगी? क्या अमेरिका और रूस में एटमी फाइट का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया? रूस और नाटो में एटमी टकराव की संभावना इसलिए बहुत बढ़ गई है क्योंकि पुतिन अब सीधे अमेरिका से टकराने को तैयार है। उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, हथियारों का जखीरा रेडी हो चुका है। अगर नाटो ने रूस पर हमला करने की कोशिश की तो पुतिन एटमी विनाश का बटन दबाने में देर नहीं करेंगे। रूस अमेरिका से पहले ही बहुत गुस्से में है क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को लगातार मिलिट्री मदद देकर इस युद्ध को और भड़का रहा है। अमेरिका और नेटो रूस को मिटा देना चाहते हैं क्योंकि रूस मौजूदा दौर में नेटो के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। अमेरिका और नाटो के गुस्से की सबसे ताजा वजह है युद्ध में उनके हथियारों की तबाही। एक हफ्ते से रूस नाटो के घातक हथियारों की कब्र खोद रहा है। अमेरिका के पूर्व सीनेटर और पूर्व मिलिट्री ऑफिसर डिक का दावा है कि एक हफ्ते में यूक्रेन के 7,000 जवान, 160 टैंक और 360 आर्म्ड व्हीकल्स तबाह हो चुके हैं। बड़ी तादाद में पश्चिमी देशों के टैंक और हथियार भी ध्वस्त हुए हैं। डिक ने यह भी दावा किया है कि रूस के हमले का जो स्केल है उससे यूक्रेन का बचना असंभव लगता है। नाटो हथियारों को तबाह ही नहीं कर रहा है बल्कि बहुत तेजी से मिसाइल और गोला बारूद तैयार कर रहा है। इसका सबूत है ये तस्वीरें। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने वेपन फैक्ट्री में जाकर मिसाइल, मोर्टार और एरियल बम का प्रोडक्शन का जायजा लिया। इसी तरह रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु उस वेपन फैक्ट्री में पहुंचे जहां यूक्रेन के लिए बड़े पैमाने पर टैंक और आर्टिलरी तैयार की जा रही है। मिसाइल, मोर्टार, एरियल बम, टैंक, आर्म्ड व्हीकल्स की ये वो कतार और अंबार है जो जल्द ही वॉर ग्राउंड पर उतरने वाले हैं और इसी के साथ शुरू हो जाएगा महाविध्वंसक जंग। रूस के मिसाइल प्रोडक्शन से न सिर्फ यूक्रेन बल्कि नाटो भी घबरा गया है। यूक्रेन ने ब्रिटेन से रूसी मिसाइल प्रोडक्शन पर बैन लगाने की मांग की है लेकिन पुतिन पर ऐसे किसी बैन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि पूरी दुनिया जानती है। पुतिन अमेरिका को लगातार धमकी दे रहे हैं। पुतिन ने एक बार फिर अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 दिए तो रूस ऐसी एटमी सुनामी लाएगा जिसमें कई देश भस्म हो जाएंगे। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी ऐलान कर दिया है कि नाटो के साथ जंग शुरू हो चुकी है। असल में अब ये युद्ध रूस और पश्चिमी देशों के बीच हो रहा है। नाटो को इसका खतरनाक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रूस की तरफ से सिर्फ संकेत नहीं है बल्कि साफ संदेश भी है कि अगर अमेरिका और नाटो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो बहुत बड़ा विनाश तय है। तो सवाल यही है कि क्या एटमी विनाश बहुत निकट है? क्या रूस और नाटो में परमाणु युद्ध छिड़ने वाला है? क्या दुनिया तबाही के मुहाने पर पहुंच चुकी है? ये वो सवाल है जिसका जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।